पिछले वर्ष 4 जुलाई को हमारे स्वाधीनता संग्राम के इस महानायक की 125वीं जयंती मनाया गया है। साथ ही इस शुभ संकल्प की लिया गया कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती तथा चंपा क्रांति की 100 वर्ष गांठ साल भर मनाया जाएगी। आज के इस समापन समारोह में उन जनजातीय क्रांतिवीरों तथा उन्हें विलक्षण नेतृत्व प्रदान करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू को मैं सादर नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। सभी देशवासी बड़े उत्साह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के इस समारोह को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाती हूँ। आज का ये पर्व सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, अल्लूरी सीताराम राजू की अनन्य देशभक्ति और साहसिकता से परिचित करने का अवसर भी है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। ये लगभग 10.5 करोड़ जनजातीय समुदाय के नायक तो है ही, साथ ही ये सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी पूज्यनीय है, नमन है। देवियों और स्वजनों, अनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं से परिचित थे। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनजातीय अस्मिता, अधिकार तथा जीवन शैली के हित में संग्राम की ऐसा धारा प्रवाहित की जिसका स्मरण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और जंगल 1920 के दशक में हुई रोम्पा क्रांति तथा अल्लूरी सीताराम राजू की वीरता के साक्षी है। ब्रिटिश हुकूमत की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था ने इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के जीवन को दुष्कर बना दिया था। जनजातीय समुदाय की उस पीड़ा को अल्लूरी सीताराम राजू ने अपना दुख समझा तथा उनके लिए स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। आज से लगभग 50 वर्ष पहले निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा पर आधारित एक फिल्म का गीत लोगों ने हृदय में लोकगीत का स्थान ले चुका है। तेलुगु भाषा के अत्यंत सम्मानित कवि एवं गीतकार श्री श्री द्वारा लिखा गया ओ गीत इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानते हैं। तेलुगुविरा लेब्रा दीक्षा बुनी सागरा, अर्थात हे तेलुगुविरा जागो, शपथ लो और आगे बढ़ते रहो। मंदे राज्यम अर्थात हमारा राज्य के संकल्प के साथ अल्लूरी सीताराम राजू और अनेक साथी आगे बढ़ते रहे। अपने संगठन और युद्ध कौशल के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार पराजित करके उन लोगों ने सबको अचंभित कर दिया था। यहाँ तक कि लोगों पर अत्याचार करने वाले स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनसे भयभीत होते थे। अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन चरित्र जाति और वर्ग पर आधारित भेदभाव से मुक्त रहकर पूरे समाज और देश के लिए एकजुट होने का उदाहरण है। जनजातीय समुदाय ने उनको पूरी तरह अपना लिया था।
और उन्होंने जनजातीय समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लिया था। अल्लूरी सीताराम राजू को जनजातीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है और यही उनकी सही पहचान भी है। जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए तड़गे रहे और वीरगति को प्राप्त की। ये तथ्य उल्लेखनीय भी है और गौरवपूर्ण भी कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो गई यातना तथा प्रलोभन के बावजूद जनजातीय समाज के लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू के गोपनीय स्थान के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी। उन्होंने अत्याचार सहा लेकिन ये लोग ना झुके और ना रुके और डटे रहे। ऐसे एकजुट समाज और विलक्षण महानायक की महान विरासत को याद रखना और मजबूत बनाना सही देशवासियों का सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है। इस संदर्भ में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान तथा चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगलू में अल्लूरी उद्यान मंदिर का निर्माण जैसे प्रयास सराहनीय है। मुझे ये भी बताया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी कार्य निकट भविष्य में भी संपन्न कर लिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, इस पावन अवसर पर मैं बुद्धिजीवियों विशेषकर समाज शास्त्रियों को और इतिहासकारों से ये अनुरोध करती हूँ कि अल्लूरी सीताराम राजू जैसे स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से देशवासियों के विशेषकर युवा पीढ़ी को अवगत कराएं। समाज के वंचित वर्गों के हित में निस्वार्थ भाव से निर्भीक होकर संघर्ष करना है अल्लूरी सीताराम राजू की जीवन का संदेश था। उनके आदर्श और संदेशों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लेकर ही हम सही अर्थ में अल्लूरी सीताराम राजू को सही श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाएंगे। आइए हम सभी ये संकल्प ले कि स्वाधीनता संग्राम के अरण्य सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के मूल्यों और आदर्श को हम समाज और देश के हित में अपनाएंगे। इसी सामूहिक संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय अल्लूरी सीताराम राजू।